फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार लेसन और यह टॉपिक अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ाया क्योंकि यह टॉपिक बहुत दिलचस्प है। फ्रेंड्स, आप ऑन बिहाफ ऑफ के बारे में तो जानते होंगे या पढ़े होंगे कि ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है कि जगह पर या की तरफ से या की ओर से, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन बिहाफ ऑफ का क्या मतलब होता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ और इन बिहाफ ऑफ एक ही चीज है तो फिर आप गलत हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि इन बिहाफ ऑफ क्या है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इन बिहाफ ऑफ को जानने के लिए सबसे पहले आपको ऑन बिहाफ ऑफ जानना होगा, तभी आप इस चीज को आसानी से समझ पाएंगे। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है कि जगह पर या की तरफ से या की ओर से। जैसे मैं अपने बॉस के जगह पर काम करता हूँ तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I work on behalf of my boss। मैं अपने भाई की ओर से माफी मांगता हूँ तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I apologize on behalf of my brother। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है कि जगह पर या के तरफ से या की ओर से। आइए फ्रेंड्स देखें कि इन बिहाफ ऑफ का क्या इस्तेमाल है। इन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है कि भलाई में या के फायदे के लिए। जैसे अगर आपको कहना हो हमें अनाथ लोगों की भलाई के लिए दान करना चाहिए या हमें यतीम लोगों की भलाई के लिए चंदा देना चाहिए, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वी शुड डोनेट मनी इन बिहाफ ऑफ द ऑर्फन्स। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में मैंने इन बिहाफ ऑफ का इस्तेमाल की भलाई के लिए या के फायदे के लिए किया क्योंकि इन बिहाफ ऑफ का यही मतलब होता है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आप इस बात को और आसानी से समझ सकें। कुछ नेता देश की भलाई के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सम लीडर्स आर डूइंग गुड जॉब इन बिहाफ ऑफ कंट्री। यानी कुछ लीडर्स देश की भलाई के लिए या देश के फायदे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि इन बिहाफ ऑफ का मतलब के भलाई के लिए या के फायदे के लिए। मैं आप लोगों की भलाई के लिए YouTube पर इंग्लिश पढ़ाता हूँ या मैं आप लोगों के फायदे के लिए YouTube पर इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I teach English on YouTube in behalf of you। यानी आप लोगों के फायदे के लिए या आप लोगों की भलाई के लिए मैं ये काम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑन बिहाफ ऑफ और इन बिहाफ ऑफ का फर्क शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, यह मजेदार लेसन पहली बार मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।